ऐसे लोग तो लेके आए आप हमेशा ही थाना के खिलाफ कार्रवाई करना इसी में कड़ा संदेह दीजिए कि जब पुलिस गई है छुड़ाया भी है तब भी नहीं कर। हम अपने जमीन में मकान बना रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमको 10 कट्ठा लिख लीजिए जमीन लिख लीजिए तो हम नहीं दे रहे हैं तो हमको मारने पीटने के बांध के मारे सब अब 20,000-20,000 रुपया था निकाल लिए सब इधर देखिए और मतलब मकान को तोड़ दिए सब तोड़ दिया और पटेदार हमारे तोड़ दिया थाना में जा रहे हैं तो कोई सुनी नहीं जा रहा है पैसा दे दिए हैं कह रहे हैं पैसा थाना 50,000 रुपया दिए हैं कोई थाना तो काम नहीं करेगा हम ज़्यादा ना हमारा थाना NCR लिख रहा है ना हमारा रिपोर्ट लिख रहा है कुछ नहीं कर रहा है थाना हमको मेडिकल करवाया है मारपीट वाला कहीं का मेडिकल हम NCR जब तक नहीं देगा तब मेडिकल कोई कर ही नहीं रहा है। कल क्या हुआ था? कल हमारे पिताजी अकेले सोए हुए थे वहाँ पे हम लोग खाना खाने चले आए तो झोपड़ी थी दिखाने वाला उसमें आग लगा दिए लोग पिताजी किसी से बच गए मारने की साजिश कर रहे हैं लोग। रामपुर कारखाना एरिया का एक गांव है भगवानपुर उसी गांव का जितेंद्र कुमार तिवारी उनका कुछ लोगों के खिलाफ जमीन संबंध मामला था वो लोग इनका ऐसे बंधक बना करके मारा उनकी बात यह है पुलिस टीम गए थे उनकी ऐसे रिलीज करके थाना लेके आया अभी कंप्लेंट ये है थाना से इनका मुकदमा नहीं लिखा है कोई कार्रवाई नहीं हो गई मैं अभी इनका लिखित में तहरीर इनसे ले रहा हूँ आज ही मुकदमा लिख रहा हूँ इनके वो कौन ऐसे कर दिया उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगा इसी के साथ COCT का इसका मैं जांच दे रहा हूँ थाना का जानकारी होने के बाद भी क्यों मुकदमा नहीं लिखा है क्यों कार्रवाई नहीं हो गई वो चेक करके वो देख करके अगर वो सही हो इंस्पेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई